अगली खबर की ओर। जयपुर में हर तरफ कांवड़ियों की धूम है। भगवान शिव शंकर को मनाने के लिए शहर में जगह जगह अलग अलग संगठनों की तरफ से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल के नेतृत्व में एक कांवड़ यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा गलताजी मंदिर से शुरू होकर रामगंज, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़ होते हुए डबल शंकर महादेव मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। रास्ते में जगह जगह पर मंदिर संगठनों की ओर से कांवड़ियों का स्वागत किया गया। वहीं इस यात्रा में त्रिपोलिया गेट पर यात्रा का फूल वर्षा कर स्वागत किया गया और यहां से यात्रा में महिलाएं कलश यात्रा के साथ शामिल हुई। रास्ते में हर कोई भगवान शिव के जयकारों के साथ शिव की भक्ति में झूमता नजर आया। महीना हर तरफ भोले शंकर की गूंज सुनाई दे रही है। यहाँ पर त्रिपोलिया बाजार में जो है कांवड़ यात्रा जो शहर भर में निकाली जा रही है वो यहाँ पर पहुंची है और कांवड़ यात्रा का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है अलग अलग संगठनों की ओर से। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर कांवड़ यात्रा का जो है रंग में रंगी हुई यहाँ पर त्रिपोलिया गेट पर जो है यात्रा पहुंची है और ये यात्रा गलताजी से शुरू हुई थी जो अभी त्रिपोलिया गेट पहुंची है। यहाँ पर जो है यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल की अगुवाई में ये यात्रा निकाली जा रही है जहाँ पर कांवड़ यात्रा में यहाँ पर कांवड़िए जो है भगवान शिव शंकर के जयकारे लगा रहे हैं और ये कांवड़ यात्रा जो है यहाँ पर पहुंची है तो इनका पूर्ण जोर तो तरीके से स्वागत किया जा रहा है। साथ ही भगवान शिव शंकर को मनाने के लिए यहाँ पर जो है कांवड़िए जो है पैदल यात्रा कर भगवान शिव की जो है अपनी मन्नत लेकर यहाँ पर अपनी पैदल यात्रा में आए हुए हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कांवड़ यात्रा मन्नत लेकर आए हैं भगवान शिव का। ये बाबा भोलेनाथ का बहुत बड़ा सैलाब है जो अपने कार्य की ओर बढ़ रहा है मंदिरों की ओर और ये अभी जाते ही बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करवाएंगे और ये बाबा ऋषिचंद्र मार्ग में डबल शंकर महादेव के मंदिर वहाँ से गलता जी से भोलेनाथ की कांवड़ लेके आए। हर कोई शिव भक्ति के रंग में रंगा हुआ है जो है बाबा शिव शंकर के जयकारे लगा रहा है। इसी मन्नत के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। कैमरा पर्सन नेमीचंद पाचाल के साथ मैं हनुमंत सिंह चारण A1 TV जयपुर। टोंक के मालपुरा उपखंड के धार्मिक तीर्थस्थल दिग्गी कल्याण जी महाराज के 54वीं लक्खी पदयात्रा का शाही निशान ध्वज चढ़ाया गया। इस दौरान लाखों पदयात्रियों ने कल्याण जी महाराज के चरणों में शीश झुकाकर मन्नत मांगी। 54वीं लक्खी पदयात्रा के अध्यक्ष श्रीजी शर्मा और पदयात्रियों का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान धार्मिक नगरी दिग्गी भगवा में हुई।